स्थिति आपकी मान के चलिए आपकी बैठक से। सुरेश शर्मा जी, लेकिन इस कोर कमेटी की बैठक का औचित्य क्या देखा जाए, किस तरीके से देखा जा सकता है और किन किन मुद्दों पर जो है बातचीत होती है इस कोर कमेटी में? देखिए, कोर कमेटी जो है एक सुप्रीम पार्टी होती है। मुझे याद है जब सुंदरलाल पटवारी की मध्य प्रदेश में सरकार थी तो कोर कमेटी की बैठकें हुआ करती थी और उसके बाद जो है संगठन, सरकार और लीडरशिप, तो लीडरशिप का जो क्रीम है वो कोर कमेटी होता है। और यदि किसी भी प्रकार की संगठन और सरकार में बदलाव की या ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ती थी कोर कमेटी थी, तो इसको सुपर पावर कमेटी कह सकते हैं। और जब सुपर पावर कमेटी जो है केंद्रीय नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ रही होती है तब आप समझिए कि कोई गंभीर बात है, अदरवाइज ये सहज लिए जाने वाली बात नहीं है। जो भाजपा को समझता है जो व्यक्ति वो ये मान सकता है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक हमेशा राज्य में हुआ करती है। और धैर्यवर्धन भी इस बात को मानेंगे, भैया धैर्यवर्धन जी भी इस बात को मानेंगे कि जो कोर कमेटी है यदि वो स्टेट में बैठक करती है तो संगठन और सरकार की समन्वय के संबंध में बात करती है, लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ रही है तो ये बिल्कुल मान करके चलना चाहिए कि बहुत कुछ ठीक नहीं है या बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके पीछे मुझे ये संकेत लगता है कि कुछ ऐसा नया भी हम सब लोगों के सामने आ सकता है, जैसे मंत्रिमंडल के विस्तार का आ सकता है, बाकी कोई और भी आ सकता है। अब और भी का तो अर्थ निकाला जा सकता है, अभी तो अपन रात तक नहीं बता सकते, लेकिन ये माना जा सकता है कि काफी कुछ बड़े जो है संकेत केंद्रीय भाजपा की ओर से दिए जाने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और ये बाकी सब लोगों ने जो मध्य प्रदेश को देखा है उसके बाद जो है, हालांकि मैं ये मान करके चलता हूँ कि सब ठीक ही रहेगा, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हाँ मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाएं बड़ी उसी स्थिति में देखी जा सकती है। चलिए धैर्यवर्धन जी, सुरेश शर्मा जी बात कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में बैठक हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर खाने क्या कुछ गड़बड़ चल रही है भाजपा में? आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने तो मिसाइल की रेंज बता दी कि इतने हजार किलोमीटर तक हमारा क्षमता है, पर मैंने बताया ना कि मैं इस प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकूंगा। मेरा यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार की बैठकें अनेक स्तर पर होती है, कोर कमेटी या प्रबंधक समिति की बैठक भी होती है, समन्वय समिति की बैठक भी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होती है, पर यह सच है कि दिल्ली में यदि प्रदेश का नेतृत्व बैठा तो सामान्य से हटकर यह बैठक है और इस बैठक में फीडबैक भी लिया जाएगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा और इस सबके बीच प्रदेश के हित में, प्रदेश के जनता के हित में, पार्टी के हित में क्या और बेहतर किया जा सकता है इस पर विचार विमर्श होगा। और अभी आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने एक और बात कही थी कि दिल्ली बोलेगी बाकी के लोग सुनेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर अंतिम निर्णय नेतृत्व का मानना ही पड़ता है। सबको अपनी अपनी बात कहते हैं, अनेक विषयों पर राय मंत्रणा होती है और कंक्लूजन के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे या संघ की ओर से कोई अधिकारी होंगे, स्वाभाविक तौर पर निचोड़ तो के तौर पर उनकी बात को मगर मार्गदर्शन किया ही जाता है और वो हमेशा संगठन के हित में होता है। हमारे यहाँ तो यहाँ पर धैर्यवर्धन जी क्या संतुलन को लेकर भी कोई निर्देश दे सकते हैं? नहीं देखिए, ऐसा तो किसी प्रकार का एजेंडा नहीं है, जो भी संगठन के हित में, सरकार के हित में, प्रदेश के हित में और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा ध्येय वाक्य है कि हम अंत्योदय के लिए काम करते हैं, हम अंतिम छोर के पर खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो इस मिशन की पूर्ति के लिए जो जो आवश्यक होता है उस पर हर स्तर पर जो नेतृत्व जिस निर्णय करने के लिए अधिकृत होता है वे विचार विमर्श करते हैं और आम सहमति के साथ हमारे बहुत सारी विषयों पर विचार होता है। चलिए गणेश पांडे जी, देखा जाए तो बैठक आज जो है कांग्रेस में भी है दिल्ली में और भाजपा में भी है, ऐसे में मिशन 2023 को लेकर जहां एक ओर भाजपा काफी समय से मेहनत कर रही है, कांग्रेस काफी देर में एक्टिव हुई, लेकिन आज की बैठक को देखा जाए तो आज की बैठक के बाद कांग्रेस में क्या हलचल मच सकती है? मध्यप्रदेश लेके नहीं है वो, जो कांग्रेस की जो बैठक है वो जो हरियाणा में कांग्रेस में असंतोष की जो है वार्ड है उस असंतोष को लेके बैठक आयोजित की, उसको मध्यप्रदेश से कोई लेना देना है ना मध्यप्रदेश के एजेंडे पे बातचीत होगी।
और इसलिए कांग्रेस में इस मुद्दे पे हरियाणा का मसला है, हरियाणा के मसले को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, अनौपचारिक बैठक चलेगी सोनिया गांधी के कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में। तो गणेश पांडे जी, यहाँ पे अगर बैठक आज हो रही है तो क्या माना जाए कि आगे मध्यप्रदेश को लेकर भी बैठक हो सकती है? अगर आज यहाँ पे बाकी राज्यों के जो यहाँ पर कांग्रेसी सरकार है वहाँ के अगर लोगों को बुलाया गया है तो क्या मध्यप्रदेश को लेकर भी आगे चर्चा होगी, क्योंकि आगामी समय चुनाव तो यहाँ पर भी है? न्याय सिर्फ जो हरियाणा के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस में बैठक हो रही है, मध्यप्रदेश के लोगों को अभी नहीं बुलाया जाएगा। मध्यप्रदेश के लोगों को जो है अप्रैल के मई फर्स्ट वीक के बाद जहां तक है जो कि राजनीतिक जो कमेटी बनी है उसकी बैठक में जो है चर्चा होगी। अभी केवल सिंपल एक लाइन का है कि हरियाणा के मसले में जो कांग्रेस में असंतोष है उसको लेके है और राजस्थान के मुद्दे को लेके चर्चा, तो इसलिए कांग्रेस में जो है मध्यप्रदेश का कोई मसला नहीं है। जी चलिए बिल्कुल, सुरेश शर्मा जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, आज संघ और सत्ता को लेकर जो है समन्वय बैठक है, ऐसे में क्या कोई बड़ा संदेश यहाँ पर संघ दे सकता है, क्योंकि अनुशासन को लेकर बात की जाए यहाँ पर अगर भाजपा में या फिर यहाँ पर पार्टी को मजबूती से देखने की बात की जाए, कई सारे आगामी कार्यक्रम भी हैं, तो ऐसे में वो राष्ट्र का नेतृत्व जो है वो क्या संदेश मध्यप्रदेश में देगा आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा को लेकर? जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये अनुशासन संबंधी विषय नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुशासनहीनता का कोई मामला हम लोगों के ध्यान में नहीं है जी। ना हम लोगों ने कोई ऐसी खबर छापी है कि किसी नेता ने अनुशासनहीनता की है, एक बात। दूसरी बात यह कि इस कोर कमेटी का काम अनुशासनहीनता का विषय देखना नहीं रहता, और जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी के कोर ग्रुप में लोग मिल रहे हैं और जिनको कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्णधार मिल रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में दो ही बातें सामने आ सकती हैं कि फेरबदल हो सकता है मंत्रिमंडल में या अदर कहीं भी, या दूसरा ये हो सकता है कि कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, तीन परिवर्तन अवश्यंभावी लग रहे हैं। एक तो मंत्रियों के स्टाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मंत्रियों को कमजोर कर रहे हैं और उनको लेकर के न केवल बाहर आम जनता में गलत संदेश जा रहा है बल्कि पार्टी का कार्यालय भी इस बात को लेकर के बार बार कहता है, और तो उसमें भी ये संदेश है कि जो मंत्रियों के साथ स्टाफ है वो स्टाफ जो है गड़बड़ कर रहा है, उनके साथ उनके भ्रष्टाचार के मामलों की भी जानकारी आ रही है, तो व्यवहार खराब करने की बातें भी सामने आ रही है। मंत्री को कई बार बातें ही नहीं मालूम चलती, उनका सीए और या जो ओएसी होता है यही सारे खेल कर दे रहे हैं। तो ये जो चीजें आ रही है सामने निकल करके उसको जो है यहाँ पार्टी संगठन की ओर से उठाए जाने की चर्चा मेरी जानकारी में आई थी, ठीक है उठाते कि नहीं उठाते एक अलग बात है, लेकिन खबर जो सामने आई वो मैंने आपके साथ साझा की है। दूसरा, मैं अभी भी विश्वास करके चलता हूँ कि मंत्रिमंडल में विस्तार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है, और वो प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं है क्योंकि सिंधिया के साथ आए लोगों का इतना ज्यादा संख्या हो गई है कि अन्य जिलों का संतुलन बिगड़ गया है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले चुनाव में यदि पार्टी को पांचवी बार सरकार बनाना है तो आपको जो है ये तय करना पड़ेगा कि मंत्रियों में से कुछ लोगों की छुट्टी करके कुछ ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाए जिनसे जिलों का संतुलन भी बन जाए और जाति समीकरण भी बन जाए और क्षेत्रीय संतुलन भी बन जाए। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें केवल आप और सिंधिया को खुश करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अगली बार सरकार बनाने के लिए दमदारी से खड़े हो सकते हैं। जनता आपके पक्ष में होगी, विरोध में होगी, वो इसी से ही समझ में आएगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कोर कमेटी की बैठक में चर्चा में आना चाहिए, आएंगी ही। और जो एक बात और बड़ी सहज रूप से चर्चा में है वो ये है कि जो लोग जैसे मंत्रिमंडल के नरोत्तम मिश्रा जी को अतिरिक्त बुलाया गया है तो सब लोगों के लिए खबर तो रहती ही है कि नरोत्तम जी को यदि अमित शाह जी आते हैं तब भी भाव ज्यादा मिलता है, इस टाइप की कमेटियों के अंदर और महत्वपूर्ण कमेटियों में भी नरोत्तम मिश्रा जी को बुलाया जा रहा है। तो राजनीति में इस प्रकार के इवेंट्स, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के जो संकेत हैं वो बहुत मायने रखते हैं, और मैं समझता हूं कि हमें इन्हीं मायनों का इंतजार करना चाहिए। सुरेश शर्मा जी, आप जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, तो क्या सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं उनके बारे में भी कोई संदेश निकल कर आ सकता है इस बैठक के बाद? आपने किन मंत्रियों का उल्लेख किया? थोड़ा सिंधिया के साथ जो मंत्री आए थे, जो नेता आए थे, उनके बारे में अगर बात किया तो क्या उनके लिए कोई संदेश निकल सकता है यहाँ पर? नहीं, मैंने जैसा कहा ना कि पांच छह मंत्री ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल के बारे में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं,
वो ना जनता को खुश कर पा रहे हैं, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश कर पा रहे हैं, और अपने विधानसभा क्षेत्र को भी नहीं संभाल पा रहे हो। तो वो चुनाव हारेंगे आने वाले समय में, उनके बारे में आज से ही रिपोर्ट आने लग गई है। वो पहले बड़े संतुलन से उपचुनाव जीते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें यदि मंत्री रखा जाएगा तो उनके जीतने की संभावना खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्टी को इस बात पे विचार करने की स्थिति निर्मित हो रही है, नहीं करेगी तो हारेगी, करेगी तो जीत जाएगी। जी चलिए धर्मवर्धन जी, एक छोटा सा कमेंट आपको मैं चाहूंगी इस पर कि अब दिल्ली से लौटने के बाद फिर क्या रणनीति होगी 2023 के लिए? भार बढ़ती है, सेनापन बढ़ता है, समझ बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो निश्चित तौर पर ये सब सुधार देखने को मिलते हैं। जब भी वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक होती है, मंथन के बाद अमृत निकलता है। जी गणेश पांडे जी, एक छोटे से कमेंट में आपका भी चाहूंगी इसी मुद्दे पर कि अब जब भाजपा जो है अब दिल्ली में बैठक कर रही है तो किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी? अब आगे अगर वहां का संदेश देखा जाए जिस तरीके से, तो मजबूती के साथ किस तरह से शिवराज सरकार जो है अब अगला चुनाव लड़ने वाली है? ये बैठक दिल्ली में हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और इसमें जो है पार्टी हाईकमान निर्देशित करेगी या एक ब्लू प्रिंट तैयार करके एजेंडा देगी कि आपको ये काम करना है मध्यप्रदेश में जीतने के लिए। और जहां तक अभी सुरेश शर्मा बोल रहे थे कि सिंधिया समर्थकों को जो है कार्रवाई या उनके मंत्रिमंडल के लोगों को हटाया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, फेरबदल की संभावना बहुत कम है। तीसरी बात, जो बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको जो है निगम मंडल में जो है निगम मंडल में उनकी ताजपोशी के मामले भी जो है उससे भी चर्चा हो सकती है। तमाम सारी चीजें हैं चुनाव जीतने के लिए जरूरी थी, वो इसलिए जो है समन्वय बैठाने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों में मंत्रियों में मतभेद, संगठन और सरकार के बीच मतभेद की खबरें जो है अखबारों में छपती रही है, इसीलिए कोर कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हुई थी। उन्होंने जी चलिए समय का अभाव है इसलिए इसको ही विराम देते हैं चर्चा को। सुरेश शर्मा जी, गणेश पांडे जी और धैर्यवर्धन जी, बहुत धन्यवाद इस पैनल पर जुड़ने के लिए। रुद्रकुला जिले में बड़ी बैठक जो है भाजपा की हो रही है, तो वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आज के मुद्दे हैं, आज देखा जाए तो आगामी समय में जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा होनी है, तो वहीं देखा जाए तो एडजस्टमेंट को लेकर, यानी कि यहाँ पर संगठन में कितना एडजस्टमेंट हो सकता है यहाँ, और मंत्रियों की जो कामकाज की समीक्षा लगातार हो रही है, रिपोर्ट कार्ड जो पेश हो रहा है उस पर क्या फैसला यहाँ पर कोर कमेटी लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे किस तरह का एजेंडा सेट करते हैं कामों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, योजनाओं को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो लगातार अपने मंत्रिमंडल को जो है संभालते आ रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, आज वो रिपोर्ट कार्ड पेश हो रहा है, और देखना ये होगा कि आगामी समय के लिए अब क्या संदेश यहाँ पर केंद्र देता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।